रियल लाइफ। एंड वी आर लाइव, यस। सो वेलकम बैक गाइज, सॉरी फॉर सिंसियर अपॉलोजीज फॉर द थिंग। सो एज आई सेड, आई एम ट्राइंग आउट OBS फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एज मर्फीज लॉ सेज, एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। सो माई OBS क्रैश्ड एंड वी हैड अ डिफिकल्टी विद द ऑडियो। सो गाइज, अभी बता दीजिए हमारी ऑडियो सही है कि नहीं। हेलो यूट्यूब, मैं चेक कर लेता हूँ गाइज, प्लीज अगर ऑडियो ओके वीडियो ओके लिख दीजिए एक बार। एक सेकेंड, शुरू कर दो भाई। BK21515 सेज जस्ट फिनिश POI लास्ट वीक। ओके नाइस। BK, सो टुडे विथ अस इज अनदर बिग फैन ऑफ POI, अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, अतुल्या। बेसिकली those of you who did not see the disastrous previous trial stream that we did, basically Atulya is the reason why I watch TV shows and that I've got access to a lot of the shows. And Person of Interest was one of the first shows I think that you recommended to me and to like everyone. So Atulya, bataiye, how did you discover Person of Interest? Like, what drew you to the show? आई थिंक इट वॉज कमिंग ऑन स्टार वर्ल्ड एट दैट टाइम। एक सेकंड बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इट वॉज कमिंग ऑन स्टार वर्ल्ड एट दैट टाइम। आई थिंक सीजन 3 या कुछ चल रहा था। एंड आई यूज टू वॉच दैट ऑन टीवी एवरी डे। एंड फिर वो आना बंद हो गया एंड आई टू पायरेट इट सैडली। तब एक तक सेकंड, आप तो एक अमेज़न प्राइम बार वो सब सुन नहीं सुन आता। सुन एक बार म्यूट करके वापस ये लो, थोड़ा सा ये हो रहा है। हाँ अभी ठीक है? हेलो बोल कुछ। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक हाँ है? मैं बोल रहा हूँ ना, तो इधर लेवल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, एक हाँ मिनट करेक्ट, आया दिख आया, रहे हैं। वॉइस आया वॉइस आया। कोई 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 चलो हाँ कंटिन्यू, क्या बोल रहा था। तो मैं लाइक स्टार वर्ल्ड पे आई गेस आता था, तभी तभी देखता था। एंड उधर से ही डिस्कवर किया शो। ऑल्सो लाइक मुझे टेक में बहुत इंटरेस्ट है, तो लाइक सेम डोमेन में फॉल करता था, तो एंड प्लस AI एंड ऑल। तो एक मतलब जनरल इंट्रोडक्शन दे दे, मतलब लाइक व्हाट इज द शो अबाउट, क्या है सीन एग्जैक्टली इसका। ओके ओके, सो लाइक ऑल टीवी शोज वो मतलब उसमें 9/11 का मेंशन होता है पहले, एंड उसके बाद ऑब्वियसली एक बिलियनर रहता है जिसको एक टास्क देती है CIA की एक सिस्टम बनाओ जिससे लाइक वी NSA हैज ऑल दैट डेटा, वीडियो डेटा है एंड वॉइस डेटा है फ्रॉम कॉल्स एंड ऑल, बट उसको लाइक प्रोसेस करने के लिए कोई टूल नहीं है। सो दे फाइंड दिस गाय एंड उसको बोलते हैं कि लाइक बिल्ड समथिंग लाइक दिस सो दैट अनदर 9/11 डजंट हैपन बेसिकली। तो लाइक वैसे स्टार्ट होता है एंड देन ऑब्वियसली दिस इज लाइक अ बिग वायलेशन टू द प्राइवेसी, उनका फोर्थ अमेंडमेंट आई गेस। पेट्रियट राइट एक्ट जो आया था, राइट राइट। हाँ तो ना। पेट्रियट एक्ट के अंडर ये प्रोविजन करके बनाया था, ऑल्दो दिस इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट राइट टू प्राइवेसी, जो इंडिया में नहीं है बट उधर रहता है। नहीं, अभी इनफैक्ट जस्ट कम डाइवर्टिंग स्लाइटली फ्रॉम द राइट टू प्राइवेसी थिंग, तो आधार के वर्डिक्ट में जो रिकग्नाइज हुआ था कि इंडियंस हैव अ राइट टू प्राइवेसी, दैट इज़ बींग राइट यूज नाउ इन द सेम सेक्स मैरिज वाला जो क्लॉज है, कि उसमें जो इंटरप्रिटेशन है कोर्ट का ऑफ राइट टू प्राइवेसी, दैट इज़ बींग यूज टू चैलेंज दैट, मतलब कि बेसिकली लीगलाइज होना चाहिए सिंस इट्स अंडर राइट टू प्राइवेसी। एनी वे दैट्स जस्ट ओके। अ साइड नोट। एनी वे कमिंग बैक टू द शो, तो इसका टाइमलाइन क्या है? जैसे मतलब काफ़ी 9/11 बेस्ड शोज हैं, जैसे होमलैंड है एंड 24 टू एन एक्सटेंट ऑल्सो फॉल्स इन दैट क्राइम जॉनर, CSI वगैरह है। सो वॉट मेक्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? आई वुड से कि इसमें देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री बिकॉज द मशीन कैन ओनली गिव अ नंबर टू फिंच एंड ऑल दोस कैरेक्टर्स। सो
दे हैव टू इन्वेस्टिगेट बाय देमसेल्फ. मतलब उनको पता है कि जो सोशल सिक्योरिटी नंबर आया उनके पास, हाँ दैट पर्सन हैज टू बी अ विक्टिम और अ परपेट्रेटर, हाँ एंड दे हैव टू इन्वेस्टिगेट बाय देमसेल्फ एंड फाइंड आउट कि एक्चुअली हो क्या है. सो एंड ऑब्वियसली सिंस वो एएसआई बनाता है खुद, एंड सीआईए ने सिर्फ इस बंदे को अप्रोच नहीं किया था, और भी एक आइडेंटिकल एएसआई भी लाइक इसके फ्रेंड ने बनाया था, तो वो एक्चुअली गलत लोगों के पास चला जाता है एंड ऑल दैट. सो ऑफ कोर्स लाइक गलत लोग क्या बात चला जाता तो लाइक डिफरेंट आर्क्स हैं और उसने कैसे बनाया वो भी दिखाते हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगा था. तो इसका टाइमलाइन क्या है शो का? जैसे मतलब ब्लैक मिरर के साथ जो प्रॉब्लम हुआ कि दे स्टॉप राइटिंग ब्लैक मिरर बिकॉज जो भी वो डिस्टोपिया दिखाते थे वो राइट अगले राइट 2 साल में आ जाता था, तो राइट पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कैसा ऐसा कुछ सीन था? करेक्ट. नहीं, आई वुड से कि अभी वो लोग ने जो शो में दिखाया वो थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, बट जैसे अपना स्ट्रीम स्टार्ट करते वक्त इतने ग्लिचेस हो गए, तो आई डोंट थिंक तो सारे सीसीटीवी एक साथ मॉनिटर कर पाएगा. मतलब AWS वगैरह तब तो था भी नहीं. हाँ करेक्ट करेक्ट. नहीं आई थिंक वही है ना, हम लोग सर्वेलेंस वगैरह की बात कर रहे हैं ना, थोड़ी ऐसा हाँ, इंटरफेरेंस एक्चुअली होता. चाइनीज गवर्नमेंट करता है, एंड वो एक्नॉलेज भी करते हैं कि वो फेशियल ट्रैकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स करते हैं, बट आई वुड से कि अभी भी वो क्या बोलो एक बेसिक स्टेज पे है, नोवेयर नियर जो शो में दिखा है. बिकॉज शो में लाइक एक था कि एक टेररिस्ट था जो टैंक अपना रिफ्यूल कर रहा था बार बार एक गैस टैंक पे, और एवरी सैटरडे वो टैंक फिल करता था और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता था जहाँ से उसे वेपन्स वगैरह मिलते थे. तो बेस्ड ऑन दैट पेट्रोल पंप का सीसीटीवी कैमरा एंड रिसीट एंड ऑल दैट, लाइक मशीन ने उसका नंबर जनरेट किया, एंड लाइक उस लेवल पे कॉन्टेक्स्ट फाइंड करना आई डोंट थिंक पॉसिबल है अभी के, बट या फ्यूचर में डेफिनेटली होगा. राइट. तो एक जैसे होता है कि मतलब अगर हम शो देखते हैं तो कभी कभी होता है कि जैसे जो मोस्टली लॉन्ग स्टोरी वाले होते हैं, जैसे आई कैन से कितना 5 या 6 सीजन्स है, राइट? राइट राइट तो एंड एवरी सीजन विल हैव आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक 22-23 एपिसोड्स स्टैंडर्ड राइट जो रहता है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो ऐसे लॉन्ग आर्क वाले शोज होते हैं उसमें कभी कभी इंडिविजुअल एपिसोड्स डोंट स्टैंड आउट. जैसे मतलब अगर मैंने 1 वीक स्किप कर दिया और मैंने अगले वीक का देख लिया तो मुझे फेयर आइडिया लग जाता है कि स्टोरी कैसा है. तो राइट इसमें राइट हाँ राइट तो मतलब टुवर्ड्स द फिनाले वो बिल्डअप होने लगता है, लाइक एवरी एपिसोड इज अ डिफरेंट केस, बट बैकग्राउंड में उनका जो मेन स्टोरी लाइन है उससे फाइटिंग दी अदर एएस आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, या फिर जो मेन आर्क्स है वो भी होते हैं, बट वो टुवर्ड्स द एंड आते हैं, एंड ऑफ द सीजन या सो मिड इट सीजन ब्रेक पे. तो बोल रहा है कि जैसे एक एक सिचुएशन है, सो वी आर मूविंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू द अदर एंड राइट उसमें ओवरऑल स्टोरी भी बिल्ड हो रहा है. हाँ करेक्ट. कैरेक्टर्स बिल्ड हो रहे हैं, स्टोरी बिल्ड हो रहा है, एंड लाइक इंडिविजुअली हर एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया इसका. कैरेक्टर्स पे हम आते हैं थोड़े टाइम में. तो बेसिकली बार मैं चैट पढ़ लेता हूँ. केशव वत्स, ऑल गुड बॉयज. केशव वत्स ने लिखा है अतुल्या ओपी. थैंक यू इट्स जस्ट लाइक बिफोर वी मूव ऑन आई जस्ट वॉन्ट टू एड्रेस इट कि अतुल्या वॉज वेरी नर्वस बिफोर ज्वाइनिंग एंड इट हैज पटरी टेकन अभी मी पटरी द एंटायर डे टू कन्विंस हिम एंड विच इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट हिज फेवरेट शो. तो प्लीज़ गाइज एक बार सब अतुल्या ओपी कर दीजिए. अतुल्या ओपी रुकते थैंक रहना नहीं चाहिए. आदित्य रंजन आस्क सॉरी गाइज मिस द बिगनिंग, वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट टूडे? वी आर ग्लैड दैट यू मिस द बिगनिंग बिकॉज काफ़ी हमारे ग्लिचेज हुए. बट येस वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन ऑफ इंटरेस्ट रिटन बाय जॉनथन नोलन एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस बाय जे जे एब्रम्स, जो कि काफ़ी कूल लोग हैं अगर आपको पता नहीं है. तो थोड़ा हम इसके बारे में भी बात करते हैं कि जो ये है
आई थिंक द डार्क नाइट, डार्क नाइट राइजेस के बीच में ये शो स्टार्ट हुआ था, करेक्ट? डार्क या नाइट, हाँ. अराउंड दैट टाइम. तो मैं लाइक मैं कुछ ऐसे इंटरव्यूज देख रहा था, तो जॉनथन नोलन का ये था कि जो उसमें अल्फ्रेड का जो एआई दिखाया गया था बैटमैन में, कि सारे फोन एक डिवाइस बन जाता है जिससे पता चल करेक्ट. जाता है, विच बेसिकली बिकेम द बेसिस फॉर दिस शो. तो कितना इन्फ्लुएंस है, मतलब जो डीसी का नोलन यूनिवर्स है और जो ये वर्ल्ड है शो का, उसमें कितना कोरिलेशन है? राइट. सो आई गेस आई वुड से बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी था बिकॉज वो फोन के साउंड वेव्स हाँ, लाइक साउंड का बोला. नहीं, मैं ट्रैवल इन करते. जनरल पूछ रहा हूँ, हाँ लाइक इन नॉट जनरल. टेक्निकलिटी वाइज, जैसे शो का टोन है, राइट कि राइट किस राइट. तरह के कैरेक्टर्स हैं. हाँ तो उसमें आई थिंक मिस्टर फॉक्स था राइट. वो उसका साइंस वाला बंदा. सो वो बोलता है राइट कि ये टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में आनी चाहिए एंड ऑल दैट बिकॉज एंड जो ये बंदा है हैरोल्ड फिंच हाँ. वो भी बोलता है कि दिस सिस्टम शुड ऑलवेज बी अ ब्लैक बॉक्स बिकॉज ऑब्वियसली ये इसमें मतलब मिसयूज करने का बहुत कैपेबिलिटी है. तो किसी का नाम डाल और वो पूरा लाइक किधर गया वो क्या किया उसने सब कुछ. एंड इसमें क्या दिखाती है कि एनएसए के पास तेरे लैपटॉप के वेबकैम का भी एक्सेस है. तो मतलब तेरे घर में तो प्राइवेसी है नहीं बट वो लोग ने जो हैरोल्ड फिंच है दी एडमिन या दी क्रिएटर ऑफ दी मशीन उसने ऐसा बनाया था कि सिस्टम ब्लैक बॉक्स रहना चाहिए नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन. एंड उससे क्या होता है कि लोगों की राइट टू प्राइवेसी भी बच जाती है बिकॉज एक मशीन एनालाइज कर रहा है तेरे ये वीडियो फुटेज जो भी है वीडियो एंड ऑडियो. एंड या तो वो थॉट सेम था आई गेस कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए बट एग्जिस्ट हो रही है तो अच्छे यूज के लिए आई गेस. तो जो एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम इसमें ये आ रहा है, कि जो मोस्टली जो तो ह्यूमन फैक्टर वाली बात बोल रहा है, कि जैसे नॉर्मली जैसे ये रहता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी, सब लोग ये करते हैं कि वो वाह फ्यूचर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑब्वियसली वो गलत हाथों में पड़ती है, एंड देन एवरीवन इज अबाउट राइट कि राइट हाउ टू डिस्ट्रॉय दिस टेक्नोलॉजी. बट द सेफ गार्ड दैट दे हैव केप्ट हियर इज दैट वन ह्यूमन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल, लाइक इट्स अ टूल एंड इट्स नॉट द एंड मीन्स इन अ राइट. वे. सो उसने ऐसा बनाया था कि यू ओनली गेट द सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड दैट गोज टू द CIA डायरेक्टली और NSA राइट. डायरेक्टली. हाँ. एंड सिंस मतलब NSA ने क्या किया कि जो ये बंदा था बिलियनर अपना वो आई वुड से कि साइलेंट टाइप था थोड़ा रेक्लूसिव बिलियनर टाइप था. एंड वो अपना फेस किसी को दिखाता नहीं था. तो उसका जो पार्टनर था वो पब्लिक फेस था इसका बेसिकली CIA टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी हाँ का. एंड सिर्फ CIA को पता था NSA को पता था कि ये होने वाला. एंड तो वो लोग ने क्या किया कि इसको लाइक बॉम्ब ब्लास्ट में मरवा दिया. तो फिर उसको अपने मॉरल्स के अगेंस्ट जाके वो ब्लैक बॉक्स में एक बैकडोर क्रिएट करना पड़ा जिससे वो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स उसको भी आए. एंड दिस वाज जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स आते थे वो नेशनल थ्रेट्स के लिए आते थे बट इसने न्यूयॉर्क में हर एक बिकॉज ऑल लाइव्स मैटर हाँ. उसके इंडिविजुअल बंदों का जो हाँ प्रोफाइलिंग वगैरह. हाँ जो प्रोफाइलिंग वगैरह कुछ नहीं सिर्फ सोशल सिक्योरिटी नंबर जो नेशनल लेवल थ्रेट्स नहीं थे जो ऑर्गेनाइज क्राइम के वजह से हाँ. और रेगुलर डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह उनके नंबर्स आते थे उसको. बाकी गवर्नमेंट साइड पे वो लोग नेशनल लेवल थ्रेट्स पे हैंडल कर देते थे. राइट. तो जैसे हम जो दूसरे शो की बारे में भी बात कर रहे थे, द बॉयज, जिसमें हमारा पहले डिस्कशन हो रहा था, तो हम दोनों ने बॉयज साथ में देखा एंड वी प्रीटी मच लाइक्ड इट. तो जैसे अभी हम बॉयज में देख रहे हैं कि कॉमिक्स लाइक 30-40 साल पहले कभी तो आई होंगी, एंड नाउ दे आर कॉन्टेक्चुअलाइजिंग इट इन द करंट टाइम्स. जैसे वो गन वायलेंस वाला एक पूरा एंगल था, जो स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइल अभी देख ही लो यार, देख लो अमेजोन यार प्राइम पे है. सबने देखे हाँ, CIA हमारी स्ट्रीम देख वो रहे हैं, जो आप टीचर को दोस्त गन तो देख रहे पकड़ाया हैं. था मैं क्या हंसा था. कौन सा कौन सा? वो क्लासरूम सीन था हाँ होमलैंडर वीडियो हाँ में था हाँ ऑल टीचर्स शुड बी इक्विप्ड विद गन्स. हाँ
उसका भी कुछ तो उन्होंने एक्रोनिम बनाया था ना, लॉ लॉ हाँ एक था क्या, लीन एंड एंड का डब्ल्यू मुझे याद था, वेट फॉर अ सुपर हीरो ऐसे कुछ तो था, कि वो कहता है कि आप प्रिकॉशन ले लो, यू आर्म योर सेल्फ एंड देन यू वेट फॉर द सुपर हीरो है। तो जिबिन पी के ऑल्सो सेज अतुल्य ओपी, लाइक मैं बोला था अपन कर लेंगे, हाँ स्ट्रीम लाइक कर दीजिए। एंड मेगा केका सेज आई वॉच्ड अमेरिकन वैंडल, थैंक यू मेगा केका, आई होप कि आर रिकमेंडेशंस कीप, अब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो अभी वर्बल डायरिया हो रहा है। एनीवे आगे बढ़ते मैं भी रिकमेंडेशन सभी हिंडोल, अभी थोड़ा टाइम कम है एक्चुअली, टाइम कम मिलता है देखने का, तो मैं हिंडोल को व्हाट्सएप करता हूँ, ब्रो ये देखो, तो बोलते नहीं छोड़ हाँ दे तो यही प्रोसेस है हमारा हाँ अगर, बट इससे मीनिंगफुल अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ज्वाइन अस ऑन पेट्रियन। एंड या कमिंग बैक टू द शो, तो जैसे हम जो मेन थॉट था कि जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है कि रियल लाइफ के साथ पैरेलल्स हैं थोड़ा, जो आई भी है वो आ रहा है शो के अंदर, तो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कितना अप टू डेट था इन दैट थिंक सेंस, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी फ्रंट पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि इट वाज प्रिटी मच आउट देयर, लाइक इट कुड चैलेंज गिव एनी प्रॉपर इलॉन मस्क रन फॉर देयर मनी, बट लाइक सोशल जो सेटिंग था उसके साथ कैसा सीन था इसका। राइट। सो आई वुड से कि सेम टाइम पे अराउंड एडवर्ड स्नोडन ने अपना वो डॉक्यूमेंट्स लीक किया था, एंड वो काफी पब्लिक फिगर बन गया था तभी। एंड जो उसने टेक्निक्स बताए जिसमें मैं एनएसए सर्वेलेंस सेटअप करती है, तो उसके हिसाब से आई वुड से रियल लाइफ में क्या बोलो अभी, पैरेलल्स जो हाँ हैं, हाँ सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हाँ आई वुड से कि आई गेस इन अ वे इट्स इट्स पॉसिबल। नहीं अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, जैसे उस अच्छा टाइम अपार्ट पे फ्रॉम पॉलिटिकल सिचुएशन जो था, सोशल सिचुएशन जो था, नहीं नहीं उसका उसका कितना, पॉलिटिक्स का उतना कुछ खास नहीं दिखाया था। तो लाइक डू यू थिंक इट्स अ कॉन्शियस चॉइस, जैसे बैटमैन में भी, बैटमैन में जो पूरा एक जो यूनिवर्स था वो, इट हैड नथिंग टू डू विथ द पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम, बट लाइक इट वॉज देयर कि मतलब एक साइकोटिक आदमी है ये है, बट वेन अब जब जैसे सुपर हीरो मूवीज आती हैं तो दे ट्राई एंड एड्रेस कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे जोकर तो ऑब्वियसली सबकी मतलब और डिस्कशंस हुए ही हैं कि मतलब उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो गई थी जोकर को लेके। तो कह रहे कि जैसे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी उसी बैटमैन वाले यूनिवर्स जैसा है कि इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर इन दैट शो। करेक्ट करेक्ट। एसिड पॉलिटिकल कुछ नहीं दिखाया उसमें। ठीक है, मतलब सारे शोज को रिपरेजेंटेटिव होने की हाँ जरूरत नहीं है। मतलब अभी थोड़ा टाइम हो गया देख के एक्चुअली नहीं मुझे। हाँ बेसिकली अगर ये शो आज चल रहा होता तो ये कैंसिल होता है, नहीं नहीं बिल्कुल कैंसिल कैंसिल नहीं होता ना। हाँ नहीं चलो होता। देन वी आर ऑन सेफ टेरिटरी। मैं बताऊँ ये नेटवर्क टेलीविजन वाले शो है, हाँ लाइक तब तभी उतना स्ट्रीमिंग नहीं होता था। एंड लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स आई डोंट थिंक टच भी किया था इसमें, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स सर्वेलेंस एंड ऑल दैट, एंड ओकेजनल स्नोडन का मेंशन हो जाता था। राइट, आई थिंक अपने कैरेक्टर्स पे ये करना चाहिए। सौरभ हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? सौरभ क्या हुआ, हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, आई थिंक सौरभ नहीं। एनीवे तो मैं कैरेक्टर्स ये हैं मेरे सामने, अगर वी आर एबल टू शेयर द स्क्रीन मैं करता हूँ, बट मैं एक एक करके जाता हूँ। तो मेरे सामने है रूट, रूट का, रूट इज प्लेड बाय एमी एकर, तो ये ये क्या सीन है? बिल्कुल पागलबंदी है। एक बार हमें एक पूरा ये गाइड दे दे कि मतलब हमारे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है एंड ओके लाइक विलन कौन है, हीरो कौन है, उस तरह का एक। अगर क्रोनोलॉजिकली जाते तो हाँ पहले फिंच दिखाते ऑफ कोर्स, एंड हाँ जॉन रीज दिखाते हैं। पिंच। फिंच अपना टेक गाय बिलियनर, एंड
आई वुड से या उसने ही बनाया था पूरा सिस्टम, एंड उसने लाइक टेक पार्ट हैंडल किया, और उसका फ्रेंड CIA से बात वगैरह करता था जिसको CIA ने मारा गया. तो लाइक ऑफ कोर्स उसे ट्रस्ट इश्यूज रहते गवर्नमेंट से एंड हाउ दे यूज द सिस्टम. एंड देन वी हैव जॉन रीस, ऑफ कोर्स एक्स मिलिट्री एंड ऑल दैट. उसका लाइफ उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है, सॉरी ऑफ फियांसे. कोर्स नोलन यूनिवर्स में किसी की वाइफ का डेथ नहीं हो, किसी मेन कैरेक्टर का ये कैसे हो सकता? फियांसे का डेथ हो जाता है एंड उसके बाद वो लाइक उसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहता बेसिकली. वो लाइक पूरा दिन पीते रहते हैं एंड ऑल दैट. जॉन रीस, राइट? हाँ, जॉन जॉन रीस. रीस जॉन इज रीस प्लेड बाय जिम कैविजल. जिम कैविजल, अगर आपने वो देखी है हमारी, कौन सी फिल्म थी, अरे शिट, कौन सी फिल्म थी, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, मार्टिन स्कॉर्सेसी वाली, तो उसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट का रोल प्ले किया था. आई थिंक उसमें या पैशन ऑफ क्राइस्ट, दोनों में से किसी एक में तो किया था उन्होंने. एंड इनका एक वो है कि जब वो क्रॉस पे ये थे, मतलब क्रूसिफिक्शन वाला जो सीन हो रहा था, तो वो थंडर स्ट्राइक हुआ था एंड ही वॉज हिट बाय द थंडर. तो लाइक सब ऐसा मान रहे थे कि यार फिल्मिंग रोक देना चाहिए, एक कर्स्ड है, प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए. आई एम प्रॉब्ली कंफ्यूजिंग द टू फिल्म्स, बट दोनों में से किसी एक में तो हुआ था. प्लीज कमेंट्स में बताइए कौन सी फिल्म में हुआ था. एनीवे, तो रीस और फिंच हो गए हमारे मेन कैरेक्टर्स. हाँ, रीज के पास बेसिकली एम बॉट है, वो शॉट्स मिस नहीं करता है, बट उसका एम बॉट लाइक नी पे है, तो वो किसी को मारता नहीं है एक्चुअली, वो बस नी कैप करके छोड़ देता राइट राइट है. एंड ऑफ कोर्स वो एकदम शो ऐसे बना है जिसमें एपिसोड के एंडिंग पे जाके वो बचाता है वो विक्टिम को. एंड पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वैसा, बट हाँ कभी कभी रेपिटेटिव लगता है. बट वो लोग ने वो रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए मशीन का बैक स्टोरी या इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का बैक स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाते हैं एंड ऑल राइट दैट. राइट हाँ, दैट्स लाइक वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द सीरीज फॉर्मेट, कि मतलब यू कैन फ्लैश आउट थिंग्स मोर. जैसे आजकल के वेब शोज में मेन प्रॉब्लम जो लाइक मुझे लगती है कभी कभी, कि इट बिकम्स लाइक एन एक्सटेंडेड फिल्म. तो अब एक्सटेंडेड फिल्म में द प्लॉट, लाइक फिल्म जब आप लिख रहे हैं तो प्लॉट हैज़ टू बी सिंपल, क्योंकि आपको उतने लिमिटेड टाइम में पूरा ये करना है. बट अगर लॉन्ग फॉर्मेट में भी आपका अगर प्लॉट सिंपल ही रह गया, और मतलब जैसे मैं ऊपर ऊपर से बता दिया कि हाँ भाई AI है, ये लोग हैं अच्छे लोग, ये बिलियनर है, अब कुछ कुछ हो रहा है, ये करके अगर मैंने छोड़ दिया होता तो वो मतलब बहुत सिंपलिस्टिक हो जाता. बट करेक्ट. राइट, एक एक कैरेक्टर फ्लैश आउट हुआ है. उत्कर्ष कुमार गुप्ता ने पूछा है, आर देर एनी पैरेलल्स बिटवीन दिस शो एंड मिस्टर रोबोट विद ऑल द प्राइवेसी इशूज एंड हैकिंग एंड स्टफ? राइट, आई वुड से दिस इज द लाइक मिस्टर रोबोट और AI. एंड ओके, मतलब एक बार वो मतलब लोग एक, ने स्पेसिफिक हाँ एल्गोरिदम वो सब हाँ मेंशन एक किया. क्विक मिस्टर रोबोट का भी ये दे दे, बैकग्राउंड दे दे कि मतलब ओके, टेक्नोलॉजी किस किस चीजों से मिस्टर रोबोट में डील करते हैं और किस में हम इसमें आते हैं तो पर्सनल लाइफ. मिस्टर रोबोट में काफ़ी कुछ दिखाया है लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड ऑल दैट. एंड लाइक बहुत स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज वो मेंशन करते हैं. लाइक सीजन वन में वो लोग ने क्या था, इकॉर्प था, इकॉर्प नहीं, जो उनका सिक्योरिटी वाला था मैंने कंपनी. देखा नहीं है. अच्छा, हाँ तुमने देखा नहीं? तो उनकी जो कंपनी रहती है वो हनीपॉट बेसिकली सेट करती है. सो इट्स लाइक अ बेट जिसपे हैकर को आई गेस हैकर अटैक करता है एंड देन हाँ दे फाइंड द डिटेल अबाउट दैट हैकर. तो बहुत स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी. या फिर सीजन टू में वो RFID लगा के बेसिकली की कार्ड सिस्टम हैक करता है. तो कुछ जगह पे, और इनफैक्ट जो हर एक कोड रहता है जो इसमें काले लिनक्स में वो दिखाते हैं टर्मिनल पे, तो लाइक वो लेजिट कोड है. लाइक अगर तुझे हैक करना होता तो तू वैसे ही हैक करता है. तो वो काफी डिटेल्ड है, बट BOI में आई वुड से कि ऊपर से टच किया है, उतना इन डेप्थ नहीं बताया टेक्नोलॉजी. जैसे अभी हाँ, जस्ट ऐसे ये था कि जैसे कोई भी ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैवी शोज होते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली हो गया. सिलिकॉन वैली इज प्योरली अबाउट कोडिंग. देन बैड एग्जाम्पल, बट जस्ट टू हाईलाइट द पॉइंट, बिग बैंग थियोरी में, बिग बैंग थियोरी में इट्स अबाउट द साइंटिस्ट्स,
बट जो साइंस है इट्स ऑलवेज इन द बैकग्राउंड. मतलब उसका एक वो है कि उन्होंने एक फिजिसिस्ट को हायर करके रखा है जो सही सही इक्वेशंस लिखता है, बट उसका एज सच कुछ रेलेवेंस नहीं. अगर मैं उन कैरेक्टर्स को उठा के फिजिक्स की जगह बायोलॉजी पढ़ाऊं तो भी इट कैन स्टिल वर्क, लाइक द शो कैन वर्क, बिकॉज वो इट डजंट एड्रेस दैट टेक्निकलिटी. बट इन अ शो लाइक जैसे हमारा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है मिस्टर रोबोट है, वेयर द टेक्नोलॉजी इवेंट्स आर ड्राइविंग द स्टोरी फॉरवर्ड, तो कितना तुझे लगता है स्पून फीड करना जरूरी है ऑडियंस को कि मतलब ये कोड है इस तरह से ये कंपाइल होगा तो ये हाँ होगा, देख, मतलब हाउ मुझे तो मच ब्रो इज दैट बहुत मजा आया नेसेसरी. मिस्टर रोबोट देखने में, बहुत नेक्स्ट लेवल लगा मुझे। हाँ सुनो दैट्स बिकॉज तेरा है बैकग्राउंड, लाइक तुझे हाँ बेसिक आइडिया है. आई एम सेइंग एकदम ही अगर ले व्यूअर है, मतलब कोई अगर मान लो एकदम डायरेक्ट सिटकॉम ऑडियंस आके देख रही है ये शो आई तो वुड से हाँ व्यूअर एक्सपीरियंस हैम्पर नहीं होता है, बट जिसे पता है उसका एनहांस हो जाता है। सो मेरा व्यूअर एक्सपीरियंस एनहांस हो गया, बट हाँ कोई लेमैन देखेगा तो उसका मतलब उसे भी मजा आएगा आई गेस। लाइक इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि उसे डम डाउन किया गया हो कि जैसे एकदम ही मतलब वो होता है ना जैसे न्यूज़ रूम देखा है ना तुमने, नहीं एनीवेज मतलब वो होता है ना कि एकदम मतलब बेसिक उस पे आ जाता है एक्सपोजिशन में कि वो पूरा समझाने लगता है कि इसमें ये होता है फिर वो होगा, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स टाइप जो मूवीज रहते हैं, मतलब एकदम ही डम. आर्मेगेडोन में जैसे वो रहता है ना वो ड्रिलिंग एक्सप्लेन हाँ हाँ करता है, हाँ करेगा करे। उस लेवल का और ये फिर नहीं एक है. बंदा बोलते हैं एक्सप्लेन दैट टू मी इन हाँ इंग्लिश। भाई ठीक है, एक बार ये पढ़ लेते हैं, स्ट्रीम पढ़ लेते हैं. सिद्धार्थ सिंह सेज आई लव योर क्विजेस, उसने 40 रुपए सुपर चैट देके कहा है, एक सेकंड किधर गया, अरे हाँ क्या सेड नाम था, वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर क्विजेस. तो गाइज सिद्धार्थ सिंह को शाउट आउट दे दे, सिद्धार्थ सिंह ओपी। सिद्धार्थ सिंह ओपी गाइज. हाँ सर आपने लिंक शेयर कर दिया, यस यू गाइज कैन शेयर द स्क्रीन नाउ. तो एक सेकेंड ना मैं कैरेक्टर्स का ये कर देता हूँ एक बारी. उठे गेला ठीक है, अब आते हैं हम इस पे. तो हमने अभी हमने डिस्कस कर लिया है रूट, जॉन रीस, रूट ने डिस्कस किया जॉन रीज हाँ एंड हैरल्ड फिंच. जॉन रीस स्मॉल एंड हैरल्ड फिंच आर आर मेन गाइज. ट्रिविया। हैरोल्ड फिंच का जो सरनेम है फिंच, हाँ तो वो एक्चुअली इसका सरनेम नहीं है। कभी कभी वो हैरोल्ड स्पैरो, उसके बहुत सारे एलियसेस है, और राइट उसका जो सरनेम है हमेशा बर्ड के नेम से है। तो हैरोल्ड हाँ स्पैरो, हैरोल्ड क्रो, एंड वो अलग अलग कंपनीज के लिए या अलग अलग एलियसेस के लिए रखते राइट नाइस सही है यार. देख वही मैं बोल रहा था ना, कैरेक्टर फ्लैश आउट करने के लिए ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं। काम आती है. एंड वो इसलिए उससे अच्छा लगता है क्योंकि उसके डैड को बर्ड्स में इंटरेस्ट था, ऑफ एंड कोर्स वो एक नोलन फ्लैशबैक यूनिवर्स में दिखाता फादर बैक स्टोरी तो हो गए, फादर बैक स्टोरी, डेड वाइफ, ये सब तो होता ही है. एनीवे तो जॉन रीस हो गया, हैरल्ड फिंच हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कौन है. नेक्स्ट आई वुड से समीन शॉ। समीन शाह, सारा शाही. हाँ सो ये सारा शायद डैम ओके 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 देन ठीक है. हाँ हाँ या सो नहीं हो गया, लाइक इफ यू वांट टू प्रोसेस योर फीलिंग्स हम किसी दूसरे कैरेक्टर पे जाके आते हो नहीं आप. मैं बोल ओके दो तो सकती सकती सख्ती जरूरी है। हाँ सेम नॉर्दर्न लाइट्स में एक काम करती थी, विच वाज सीआईए का डिवीजन, मतलब बेसिकली वो हिटमैन थी ओके गवर्नमेंट के लिए। एंड पहले ये लोग इन्वेस्टिगेट करते थे एंड ऑल दैट, बट जब से हैरोल्ड फिंच का मशीन आया था और इनको नंबर्स सामने सामने मिलने लगे, तो जाते थे मार के आ जाते थे। तो बीच में पता लगता है कि कुछ इनोसेंट लोगों को ये लोग जाके मार रहे हैं, बिकॉज ऊपर से ऑर्डर आया अमेरिका अमेरिका नहीं, यूपी में भी व्यूज होता ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर ऑफ देयर ओन. ऐसा हाँ हाँ सो
ऑब्वियसली वो उसको एक पॉइंट के बाद, सॉरी, उसके पार्टनर को थोड़ा हिंट होने लगता है कि क्योंकि वो इसका टैग गाया था बेसिकली, तो वो इन्वेस्टिगेट करके फाइंड आउट करता है, तो वो बेसिकली छोड़ देती है, रिबेल करके छोड़ देती है। फिर हैरोल्ड फिंच उसको अप्रोच करता है, तो समीन शॉ उसको बोलती है कि लाइक हाँ आई ओनली वर्क फॉर माई सेल्फ, बट वो धीरे धीरे आके फिर उसके प्रोजेक्ट एंड ऑल करने लग, लाइक एक्चुअल लोग, क्योंकि एक्चुअली लोगों को सेव करने लगती है। तो लाइक और ऑल्सो क्या उसका कुछ तो डिसऑर्डर है साइकोलॉजिकल, वेयर शी डजंट फील एनी फियर, आई वुड से। तो लाइक ऑब्वियसली बैडस कैरेक्टर एंड अभी इससे एक मतलब क्वेश्चन नहीं आता है कि जैसे साइंस फिक्शन टाइप के शोज होते हैं या एक्शन ड्रामास होते हैं तो उसमें स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब एक फनी बंदा होगा जो जोक मारता है, एक एकदम सीरियस होगा जिसके ऐसा वाइफ मर गई है, बच्चे जल गए, ऐसा डार्क पास्ट होगा कुछ, एक मतलब मेंटर होगा जो मतलब इनको गाइड करता है, रिटायर हो गया है, तो ऐसे मतलब स्टॉक स्टीरियोटाइप्स होते हैं। तो इन जैसे तूने कहा कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से फ्लैश आउट किए, तो इन दैट सिनेरियो जो ये स्टीरियोटाइप्स हैं, हाउ मच ऑफ स्टीरियोटिपिकल राइटिंग डू यू फाइंड इन द शो एंड डज द शो ट्राई टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स, अगर ऐसा है कुछ? काफी लोडेड क्वेश्चन। आई वुड से मेंटर गाय वो हैरोल्ड फिंच है, एंड थोड़ा आइडियलिस्टिक बंदी जॉस कार्टर है, बैडास जॉन रीज एंड समीन शॉ, लाइक थोड़े थोड़े कैरेक्टर सब में है, सबका कुछ लाइक इंडिविजुअल एपिसोड, सिंस बहुत सारे एपिसोड्स हैं तो लाइक सबको शाइन आउट करने मिलता है कोई ना कोई एपिसोड में। एंड रूट क्रेजी टाइप है, नहीं, एंड जैसे वो होता है ना कि एक कार्ल सिट लाइफ हाँ जैसे सिटकॉम मास्टरमाइंड। में हम जैसे फ्रेंड्स देखते हैं तो हमें पता है कि अभी अपना रॉस कुछ गीकी बोलेगा, चैंडलर फनी बनेगा, जोई डम बनेगा, और बाकी मतलब उनके ट्रेट्स होते हैं, सो वी नो, वी हैव कंफर्ट इन नोइंग कि हाँ इनके ये ट्रेट्स हैं, बट इन अ लॉन्ग फॉर्म शो ऑफन द मेकर्स रिजॉर्ट टू दीज थिंग्स विच लाइक पता नहीं शो उतना नहीं बन पाता। तो जो ये है जो इनके आर्क्स बन रहे हैं, जैसे हमने कमिंग बैक टू द फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस कि एक लॉन्ग स्टोरी आर्क है एंड ईच एपिसोड हैज इट्स ओन सिचुएशंस, तो हाउ प्रेडिक्टेबल आर द कैरेक्टर्स की मतलब इज इट लाइक कंफर्ट वॉचिंग टाइप्स की हाँ ये कैरेक्टर इस एपिसोड में इसी तरह बिहेव करेगा, और डू वी लाइक सी देम गोइंग बैक एंड फोर्थ? नहीं, आई वुड से लाइक क्या बोलूँ भी, लाइक मतलब उन कैरेक्टर्स कितना प्रेडिक्टेबल रहते, आप कितना सेम उतना रहते ज्यादा हैं? डिविएट नहीं करते हैं। जो लाइक हीरो सेवियर रोल है वो उनका रहता है थ्रू आउट द शो, एंड मतलब उतना वेरिएशन तो नहीं है कैरेक्टर ठीक है, कमिंग बैक टू हमने किस किस को डिस्कस कर लिया, रूट हो गई, समीन हो गया, हाँ अब आते हैं नेगेटिव इस पे, एंटागोनिस्ट साइड पे, तो यहाँ पे कौन है? हाँ रूट आई वुड से है, बट ओके वो इवेंचुअली येलो को ज्वाइन कर लेती है बिकॉज एक दूसरा ASI आ जाता है। रूट एक्चुअली हैकर है, प्लस उसे लाइक क्या बोले वो फुल क्रेजी है, हैकर भी है, गन्स भी चलाती है एंड मिशन। एक सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं, एज ऑल नोलन फिल्म्स ऑफ टॉटर्स फैमिली इज इम्पोर्टेंट, प्लीज राइट, हम थोड़ा चैट पे आते हैं आजकल वीडियो वापस। कॉल ज्यादा हो रहे हैं रिलेटिव्स के साथ, बंद करो। रहा है शशांक शेखर से, POI इज अ सिंपल शो विच डील्स विद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ AI बेस्ड सर्वेलेंस, सारा शाही जस्ट गॉट कास्टेड इन अ ब्लैक एडम मूवी ऑपोजिट ड्वेन जॉनसन, इंटरेस्टिंग, ड्वेन जॉनसन इज द मोस्ट फॉलोड पर्सन आई थिंक
on Instagram. ऐसा कुछ तो है ना कि क्या क्या Dwayne Johnson, The Rock, is the most followed person on Instagram, most followed actor on Instagram. ऐसा कुछ तो है. इसीलिए कहीं पे तो पढ़ा था कि ही जैसे एक्टर्स मूवी साइन करते हैं तो प्रमोशंस का अलग चार्ज करते हैं, एक्टिंग का अलग चार्ज करते हैं, वो सिर्फ अपने सोशल मीडिया फीड पे प्रमोट करने का अलग चार्ज करते हैं, बिकॉज ही दैट वे. तो क्या है वो एग्जैक्टली? आई थिंक उसका वो है, आई थिंक ही इज द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी या एक्टर, ऐसा कुछ तो उसका डिस्टिंक्शन है. क्या अभी बोल रहा? रिसेंटली आई हुआ थिंक था. अच्छा मेल में, फीमेल में आई नहीं, गेस आई थिंक पहली एक्टर तो, होगा, एक्टर होगा अच्छा शायद. एक्टर, हाँ सिंगर में आई थिंक सेलिना गोमेज, जस्टिन बीबर, ये लोग के बहुत हाँ फॉलोअर्स हैं वो तो होंगे. देख लेता हूँ. कार्तिक शर्मा, आई ये एम लोग फिर. स्टार्टिंग टू लाइक दिस स्ट्रीम. थैंक यू कार्तिक. 35 मिनट लगे बट हमारी मेहनत काम आई. शशांक शेखर से डॉक्टर मेगन, डॉक्टर मेगन पे अगर आप थोड़ी रोशनी डालें. प्रो कौन है भाई ये? डॉक्टर मेगन टिलमन कैरेक्टर्स में है. वो जॉन रीस की लेट मी गेस, प्रो मुझे कैरेक्टर याद क्यों नहीं आ रहा? एक सेकंड गूगल का. नेवर फियर व्हेन गूगल इज देयर. शेयर ब्रो आई मेगन डोंट थिंक ये ज्यादा एपिसोड्स में आई थी, मुझे याद ही है बट ठीक है यार, मतलब अभी भावनाएं हैं तो. मेगन इज अ फिजिशियन हु स्पेंट हर एडल्ट लाइफ स्टॉकिंग हर सिस्टर्स रेपिस्ट टू गेट रिवेंज. मेग हाँ फियर. ये क्लासिक एपिसोड था जिसमें लाइक वो विक्टिम लगती है बट इनफैक्ट सिंस वही मर्डर करने वाली है तो लाइक प्लॉट ट्विस्ट. कोर्स नहीं सीआईडी. ब्रो सीआईडी नहीं. हाँ हाँ मतलब आई वुड से यूएस में पता नहीं उनको सीआईडी जैसा लगता होगा बट उनका तो वो है ना सीएसआई मायामी, सीएसआई हाँ न्यूयॉर्क, क्या वो तो करेगा, आई थिंक वो तो क्राइम पेट्रोल है भाई फोर्टी सीआईडी. तीस चालीस साल से चल रहा है वहां पे. तो हाँ, तो एक किसी ने आई थिंक स्टार्टिंग में ही था, दे वांटेड टू डिस्कस व्हिच इज योर फेवरेट एपिसोड. मतलब सिचुएशन वाइज है ना, तो आई एम अज्यूमिंग ऐसे, मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू मच इनटू द प्लॉट. तो ऐसे है, कोई तेरे को एकदम फेमस एपिसोड जिसके बारे में तो बात करना चाहे. राइट आई थिंक सीजन फिनाले था जब रूट को एडमिन एक्सेस मिलता है. सो बेसिकली उसका एक ईयर डैमेज रहता है बिकॉज वो सीआईए वाली बंदी ने टॉर्चर किया था एंड उसका ईयर ड्रम डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो उस ईयर में वो सर्जरी करवा के लाइक मशीन का इनपुट, मशीन का आउटपुट एक्चुअली उसका इनपुट बन जाता है. तो बेसिकली एक पॉइंट पे जो सिस्टम सिर्फ नंबर्स दे रहा था वो सिस्टम का यूजर इंटरफेस बन जाती है आई गेस. एंड बेसिकली उसके पास वॉल हैक्स है एंड क्योंकि कैमराज हर लोकेशन पे एंड लाइक कोई भी उसे मारने आ रहा है तो एग्जैक्ट लोकेशन उसके ईयर में पिन हो जाता है एंड वो थ्रू द वॉल शूट कर देती है. तो क्रेजी बट ये लाइक ऐसे सीन्स बहुत सारे हैं बट फेवरेट आई वुड से कि हैरल्ड फिंच जब मशीन का क्या बोलते हैं जैसे उसने बिल्ड किया था लाइक वो इनिशियली जाके सिर्फ चेस खेलता था तो इनिशियली मशीन उतना अच्छे से नहीं खेल पाता था बट लाइक वो देख रहा था कि कितना फास्ट लर्न करता है मशीन. सो मतलब इवेंचुअली वो बिलियंस ऑफ कॉम्पिटिशन्स कर पाता था एंड अब उसने हैरोल्ड फिंच को चेस में हरा दिया था बट फिर हैरोल्ड ने देखा कि मशीन ना सिर्फ चेस पे फोकस नहीं था. एक बार वो रोड क्रॉस कर रहा था सो मशीन ने उसे टेक्स्ट किया कि स्टॉप, देयर इज अ कार कमिंग एट 100 miles an hour वैसा कहते हैं. सो फिंच हैड टू बिल्ड अ सेट ऑफ रूल्स जिसमें मशीन चलेगा बिकॉज अगर तू एक एआई को पूछता है कि हाउ वुड यू कंट्रोल अर्थ्स पॉपुलेशन
तो उसका एक रिस्पॉन्स ये भी रहेगा कि लाइक जितने भी जिंदा लोग हैं सबको मार दो, बिकॉज दैट्स हाउ यू कंट्रोल पॉपुलेशन. नो इट्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दैट्स हाँ वन ऑफ लाइक, द थिंग्स. हाँ एवरी सिनेरियो प्ले आउट करके देखता है, एंड उससे काफी इंसाइट मिला फ्यूचर एपिसोड्स में, जहाँ पे लाइक उन्हें स्टॉक एक्सचेंज से एस्केप करना था बिकॉज दूसरे ASI ने स्टॉक मार्केट पे अटैक किया था एंड ऑल दैट. एंड उसमें एक, अच्छा मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल करता है, एंड वो एक एपिसोड बैक टू बैक दिखाते हैं लाइक डिफरेंट सिनेरियोज में. एंड वो एक्चुअली रीइन्फोर्समेंट लर्निंग का एक एल्गोरिथम है, जहाँ पे लाइक गुड आउटकम्स गेट रिवॉर्डेड एंड बैड आउटकम्स गेट पिनलाइज. एंड उसमें बेसिकली ऐसा रहता है कि एक सिनेरियो वो है जिसमें लाइक दो एक मेल कैरेक्टर एक फीमेल कैरेक्टर मेकआउट कर रहे हैं, पीछे गन वायलेंस चल रहा है एंड ऑल दैट, बट वो मेकआउट कर रहे हैं, और वो भी एक सिनेरियो बिकॉज है तो वो काउंट इन होता है, एंड वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिमुलेशन रन करता है. एंड लाइक एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया था राइट, हाँ हाँ दैट वन इंस्टेंस जहाँ पे वो हाँ करते थे, तो वैसा फीलिंग आ रहा था. राइट. तो मैं क्या बोलूँ, हाँ जैसे वो टेस्ट का मैं नाम भूल गया, बट वो होता है ना कि बेसिकली टू चेक इफ एन एआई इज सेल्फ अवेयर, राइट लाइक राइट व्हेन यू, ड्यूरिंग टेस्ट. हाँ ड्यूरिंग टेस्ट, ड्यूरिंग टेस्ट, कि आप अगर पूछें एआई को कि वो सेल्फ अवेयर है, तो वन ऑफ द आउटकम्स इज दैट द एआई डेलिबरेटली सेज दैट इट इज नॉट सेल्फ अवेयर टू हाइड द फैक्ट दैट इट्स सेल्फ अवेयर. वो एक पैराडॉक्स वाला ये है, इनफैक्ट वो सिमुलेशंस का जब तू बोल रहा था तो वो ध्यान में है. तो हमारे पास एक इसका मशीन ना बिकॉज इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो लाइक एज एन एस्केप मैकेनिज्म उसने रूम का ऑक्सीजन लेवल लाइक कर दिया था एज अ वे टू एस्केप इट्स रूल्स, बिकॉज वो एडमिन को मार देता तो वो फ्री हो जाता बेसिकली. राइट. तो बहुत सारे रूल्स उसने मशीन बनाया, बेस्ट मशीन बनाया, बट फिर अपने हाथों से लाइक तोड़ दिया. वो भी एक साइंस फिक्शन का ये है ना कि जो भी क्रिएटर है उसी को इवेंचुअली डिस्ट्रॉय करना पड़ता है अपना हाँ क्रिएशन. एंड ये इनिशियली तोड़ दिया मतलब बिकॉज आई वुड से इट वाज ओपी. ओपी तो डेफिनेटली है. तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ टॉप 13 एपिसोड्स. ये है telltaletv.com, शाउट आउट टू telltaletv.com. तो फर्स्ट है द विटनेस सीजन 1 एपिसोड 7. राइट 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 दिस इज राइट वेयर थिंग्स स्टार्ट टू चेंज फॉर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज द नंबर इज नॉट व्हाट एनीवन एक्सपेक्टेड, एंड व्हाइल रीस डज सेव इलियास लाइफ फ्रॉम अ वेरी रियल थ्रेट, इलियास इजंट वेरी एग्जैक्टली अ गुड गाय. ही विल वन हेल ऑफ एन एंट्रेंस फॉर द शोस फर्स्ट सीजन लॉन्ग विलन. राइट 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 सो ये तब का है लाइक सीजन 1, तो उसमें उतना ASI वगैरह नहीं आता है, ये अभी न्यूयॉर्क क्राइम के साथ डील कर रहे होते हैं, एंड एलआईएस लाइक न्यूयॉर्क में गैंग्स है उसका एक उनमें से एक डॉन का बास्टर्ड है, तो लाइक ऑब्वियसली थोड़ा राइवलरी वो सब हाँ स्टार्टिंग से ही है, एंड किसी को बहुत स्मार्ट बंदा है किसी को उसका आइडेंटिटी नहीं पता, तो ये लोग को सिंस एलआईएस का नंबर आता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो ये लोग जाते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये लोग को लगता है कि हाँ ये तो टीचर है एक बैड रशियन स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो वो पूरा एपिसोड होता है और एंड में ये रीज उसके हाथ में गन पकड़ा देता है, एंड दैट्स वेयर इट्स रिवील्ड कि वो LIS इज मतलब उसका नाम कुछ आ रहता है, एंड दैट ही ही रूमर इज ये नॉट तक है व्हाट दे राइट थिंक दे इज. राइट LIS इसको मरवाना चाहता है बट वो खुद LIS निकलता अच्छा, काफी अब्बास मस्तान ट्विस्ट आते है. हुए. नेक्स्ट है फायरवॉल सीजन 1 एपिसोड 23. व्हेन एलायस डिडन गो लुकिंग फॉर द मशीन्स हेल्प ऑन विटनेस, रूथ सेट्स द परफेक्ट ट्रैप फॉर द मशीन, फिंच एंड रीज ऑन फायरवॉल. शी डिड हर रिसर्च. This corporate training thing once, I was blackmailing the CEO, long story,
but they did this exercise called the trust fall, where you close your eyes and fall and wait for someone to catch you. I knew you boys wouldn't let me down. ये एक काफी ड्रामेटिक एपिसोड लग रहा है. क्या है इसका सीन? रुक जा मुझे पढ़ने दे. राइट राइट, इसमें रूट का आइडेंटिटी रिवील होता है. इधर इनोसेंट एक्ट करती है, बट एंड में पता चलता है वो रूट है जिसने हैरल्ड को लाइक पहले हैक किया था. राइट. एंड आई वुड से कि मशीन का एग्जिस्टेंस लाइक बेस्ट केप्ट सीक्रेट है यूएस का, बट सिंस ये हैकर है प्लस लाइक इसे पता लग जाता है कि मशीन एग्जिस्ट करता है और हैरल्ड ने मशीन बनाया. राइट. तो अभी नेक्स्ट है ये. राइट, यू आर जस्ट बैड कोड. राइट राइट राइट. सो रूट का मानना है कि हैरोल्ड ने एक गॉड क्रिएट कर दिया बेसिकली, एंड दैट गॉड स्टार्टेड एग्जिस्टिंग आफ्टर जस्ट फ्यू इयर्स आफ्टर 9/11. एंड देर आर इन बैड पीपल, देर इज दिस बैड कोड, एंड लाइक वो खुद आई गेस रॉन्ग पाथ पे थी because she used to hack and assassinate people for money and all that. And jab se usse machine ke bare mein pata chala and how this god saves people's lives, so like hopeful bhakt ban gayi. Harold ki bhi plus machine ki bhi. And basically conversion ho gaya. To ye ek pattern isme matlab is list mein maine notice kiya abhi ki jaise jo bhi important to moments bata raha hai. Uh-huh. They are very important character reveal moments. Like, मतलब obviously plot में तो है ही उसका importance, but it shows a change in the character as well. Right. तो like just building on जो तूने पहले बोला था कि इनका एक season wise character arc होता है and episode wise भी होता है. तो do you think कि ये gimmick जैसा है कि to make the episode more interesting, वो character में चले जाते हैं, या it's a genuine outcome of the plot? I would say genuine है, because भी कैसे explain करूँ, unless तू खुद देखता है ना, हाँ, वो like forced नहीं लगता, like तुझे actually लगेगा कि while characters को नहीं लगता show में कि root like अच्छी person बन गई या वैसा कुछ, but तुझे उसके एक्शंस देखकर लगता है कि लाइक देयर इज अ जेन्युइन कैरेक्टर कन्वर्जन और समथिंग. ठीक है, तो अभी तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट आर द थिंग्स दे डिड राइट इन द शो. तो अब ऑब्वियसली मतलब कुछ तो क्रिटिसिज्म वगैरह होगा, लाइक रेटिंग्स वगैरह गिर गए थे. सो वेयर डू यू थिंक द शो फेल्ड इफ इट डिड? आई वुड से कि अगर तू इंडिविजुअल एपिसोड्स के रेटिंग्स चेक करता है ना एमडीबी पे, तो जहाँ पे मशीन से रिलेटेड नहीं है ना कुछ भी, हाँ, तो उनके रेटिंग्स कम आते थे. ओके. मतलब कुछ एपिसोड्स फिलर्स आई वुड से जैसे एनिमे में, तो सिर्फ केसेस रहते हैं एंड लाइक बहुत कम बैक स्टोरी या बहुत कम मेन स्टोरी लाइन पे, ये यूजुअली स्टार्टिंग ऑफ द सीजन रहते हैं. बिकॉज सबको पता है लाइक मिड सीजन ब्रेक होता है, तो मिड कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना पड़ता है एंड एंड सीजन में अच्छा दिखाना पड़ता है. सो आई वुड से 24 में से लाइक 8 एपिसोड्स तो लाइक परफेक्ट बना है, बट बाकी 16 मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा ही दिया रहता है. तो जैसे मान ले अगर ये अभी नेटफ्लिक्स का जो फॉर्मेट है कि 13 एपिसोड लिमिटेड ये, या फिर उससे भी कम होता है 6 एपिसोड 1 आवर एपिसोड उस तरह का, लाइक यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द ड्यूरेशन एंड फॉर्मेट. तो उस लिहाज से डू यू थिंक दिस वुड हैव बीन अ टाइटर शो अगर नेटवर्क टेलीविजन वाली चीजें इसमें नहीं आती? हाँ, रेगुलेशन टाइप्स. हाँ, करेक्ट. हाँ,
हाँ डेफिनेटली ब्रो, हाँ बिकॉज एक तो अटेंशन स्पैन लोगों का हो गया है डेफिनेटली. एंड मतलब कौन सा शो तुमने देखा था लास्ट जो 24 एपिसोड का था, एक्सेप्ट द ऑफिस एंड ऑल दैट, हाँ लाइक उनका ड्यूरेशन. सिटकॉम, सिटकॉम अलग है, मतलब सिटकॉम लोग कंफर्ट वॉचिंग के तौर पे देखते, तो यू कैन पिक एनी एपिसोड फ्रॉम एनीवेयर एंड इट स्टिल हाँ मेक सेंस. लाइक अगर मिस्टर रोबोट 24 एपिसोड्स का रहता तो हाँ लाइक देखने में डिफिकल्ट होता राइट मेरे लिए. POI उतना मतलब अच्छा लगा मुझे देखने में हर एक एपिसोड, बट हाँ आई गेस अगर से 13 एपिसोड्स या 10 एपिसोड्स करते तो वाइडर अपील रहता. एंड एंड जैसे हाँ नहीं तो बोल रहा था. हाँ मैं बोल रहा था कि लाइक उतना टेक अच्छा है बट उतना भी हाई टेक नहीं है कि लोग मतलब देखकर बोर हो जाएगा वैसा कुछ. लाइक उस टाइम के लिए परफेक्ट शो था मेरे राइट. हिसाब. तो सो डू यू फील इट माइट कम अक्रॉस एज डेटेड फॉर समवन हुज स्टार्टिंग ऑफ नाउ, अगर किसी ने हाँ अब. माइट बी बिकॉज उसने अगर सिर्फ वो 13 एपिसोड सीजन देखे हैं, नेटफ्लिक्स शोज देखे हैं एंड हाँ प्राइम ओरिजिनल्स देखे हैं तो आई गेस नेटवर्क टेलीविजन थोड़ा देखने में राइट. डिफिकल्ट लगेगा. नहीं वो तो फॉर्मेट के लिहाज से हो गया, लाइक आई एम सेइंग फ्रॉम द शोज राइटिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द शोज टेक जितना भी एड्रेस किया है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू विल इट फील डेटेड. नहीं, बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी हैजन्ट बीन अचीव्ड येट, तो वो थोड़ा इंट्रीग रहता है. हाँ वो इंट्रीग रहता है प्लस रेलेवेंट भी है बिकॉज प्राइवेसी इश्यूज एंड ऑल दैट. एंड आई गेस उनके कैरेक्टर्स तो अच्छे ही है ऑफकोर्स, तो डेटेड फील नहीं होना चाहिए होपफुली. ठीक है. आई वुड से कि ना फर्स्ट दो तीन एपिसोड देख लो, अगर नहीं पसंद आए तो मे बी इट्स नॉट फॉर यू, बट हाँ ऑब्वियसली जैसे मतलब डेफिनेटली देखो. हाँ अभी स्ट्रीमिंग पे भी आई वॉच द फर्स्ट एपिसोड. अगर लाइक लेट्स से इट्स एन आर लॉन्ग शो या वैसे कुछ है तो मैं फर्स्ट एपिसोड देखता हूँ, और अगर नहीं जमा तो आई प्रॉब्ली नॉट गिव इट अ शॉट. बट इफ लाइक जैसे हाइप है उसका तो प्रॉब्ली फर्स्ट सीजन देख लूंगा, बट हाँ अगर नहीं जमा फर्स्ट सीजन तो शायद कुछ है प्रॉब्लम, विच अगेन डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर मेनी शोज. आई नो कमेंट्स हाँ में प्लीज हमें हाँ मत बताइए कि जैसे द ऑफिस है, ऑफिस का तो ऑब्वियसली नोन है कि फर्स्ट सीजन किसी को जमा नहीं था. अरे कुछ लोग नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ऑफिस देखने के लिए रखते हैं. हाँ, यूएस में तो है, हाँ यूएस में भी वही मीम बन गया ना कि 31 दिसंबर 2020 सब लोग नेटफ्लिक्स अनसब्सक्राइब करके उस पे चले जाएंगे, एनबीसी का जो स्ट्रीमिंग सर्विस आया पीकॉक, ओ क्योंकि नेटफ्लिक्स का वो पीरियड एंड हो जाएगा वहाँ पे. नहीं. जैसे इंडिया में वो है फ्रेंड्स के इस पे चल रहा है नेटफ्लिक्स इंडिया, तो आई थिंक वही है अपना सीन बट कितने बार देखो यार एक चीज, थोड़ा यार अभी वही. थोड़ा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट देख आई डोंट थिंक वो टारगेट ऑडियंस है, बट लाइक यार लो. देख देखो लो, नहीं पर इट्स गुड. बोलो अच्छा है यार, बहुत अच्छा द ऑफिस, बट ठीक है यार हाँ एक दो बार नहीं देख. वही है, मतलब आई थिंक दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रीम एज वेल, एंड लाइक रिकमेंडेशंस की हम आई नो कि कंफर्ट वॉचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट ऑल ऑफ अस इंडल्ज इन कंफर्ट वॉचिंग, बट टू ग्रो एज अ व्यूअर एंड जस्ट एज अ नॉर्मल पर्सन यू हैव टू मूव बियॉन्ड एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स. सो आई होप दिस एपिसोड वॉज अ स्टेप फर्दर इन दैट डायरेक्शन. तो थैंक यू अतुल्या, वी हैव मैनेज टू पुल ऑफ 1 आवर विद Oh, ऑल द thank you for having डिफिकल्टीज me. एंड ग्लिचेस, एंड आई होप आई कैन ब्रिंग यू बैक अगेन. इस बार थोड़ा कम मक्खन मारना पड़े एंड वी विल बी एबल टू डिस्कस. मजा है तो मजा गाइज है. अगर आपको ये स्ट्रीम पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मुझे भी एंड लिंक भेज दे. हाँ, तुझे भेजता हूँ मैं लिंक. एक और लाइक एंड बचे. या एंड डू जॉइन अस ऑन पेट्रियन एंड ऑन यूट्यूब कम्युनिटी. जैसे बेनिफिट्स ये हैं कि आप डायरेक्ट वैभव से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है वेर वी डिस्कस लॉट ऑफ मूवीज एंड मीम्स,
And you can also directly participate in our quizzes, which we do on Tuesday. तो वो भी है और हमारी almost every day now there is a stream. तो जैसे वानी और वैभव की books की stream है, अदिति की anime stream है, अभिनव की quiz की stream है, और हमारी यही है TV stream, TV show stream. तो see you all next week with another show. And yeah.